इधर जब सवेरा हो गया तो महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और तीनों रानियों से कहने लगे, देवी आज हम जा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज के पास, अपने गुरु जी के पास। महाराज दशरथ ने जिस समय इतनी बात कही, तीनों रानियों ने कहा ठीक है महाराज जाइए, जब आप अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाओगे तो कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बताएंगे, इसलिए आप जाइए। जिस समय इतनी बात कही तो महाराज दशरथ इधर चल पड़े और जिस समय चले तो गुरु ग्रह गए हो, गुरु ग्रह गए हो तुरंत मही महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव क्या बताएं, हमारे भगवान ने सब कुछ दिया, धन दौलत राजपाट, लेकिन महाराज एक संतान नहीं दी, एक पुत्र नहीं दिया। ए भैया, जिस समय इतनी बात सुनी उसी समय महाराज नारद बाबा प्रकट हो गए, ध्यान दीजिएगा, नारद बाबा प्रकट हो गए। और जिस समय नारद बाबा प्रकट हुए तो नारद बाबा बोल पड़े, सुनो वशिष्ठ जी महाराज बैठे, राजा दशरथ बैठे, नारद बाबा ने कहा अब तुम पुत्र मांगने आए हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, क्या राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास में पुत्र मांगने गए? बोलिए भैया जरा समझिएगा, क्या राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास में पुत्र मांगने गए? नहीं, पुत्र मांगने नहीं गए। अब आप कहोगे तो फिर मांगने क्या गए? तो ध्यान दीजिएगा, अगर महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास में पुत्र मांगने जाते तो अवस्था का ध्यान रखते, मतलब उम्र का ध्यान रखते। आज महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई, ध्यान दीजिएगा, और 60,000 की वर्ष की आयु में भला कोई पुत्र मांगने जाता है? और अब महाराज दशरथ गए, इसके पहले क्यों नहीं गए? ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्यों नहीं गए? इसके पहले इसलिए नहीं गए महाराज दशरथ, क्योंकि महाराज दशरथ को भगवान पर पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास है? जिस समय यही महाराज दशरथ जब मनु थे, जब गोमती नदी के किनारे बैठ करके तपस्या किए थे तो भगवान नारायण प्रकट हुए थे। भगवान नारायण ने मनु महाराज से कहा था, आप सरिस खोजो कहा जाई, नृप तुव तनय हो मैं आई, जाओ मेरे समान पुत्र कहाँ होगा, मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
वही मनु महाराज आकर के राजा दशरथ हुए। तो राजा दशरथ को विश्वास है भगवान पर कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तो मतलब आएंगे तो मांगने की जरूरत क्या है। क्यों भैया मांगने की क्या जरूरत है, भगवान पर विश्वास है। जब भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा तो फिर मांगने की क्या जरूरत है। और अगर मांगने की जरूरत भी है तो महाराज दशरथ अगर पुत्र मांगने गए होते तो अवस्था का ध्यान रखते, मतलब उम्र का ध्यान रखते। जैसे आप थोड़ा समझिएगा, जैसे कोई 80 साल का बूढ़ा हमारे पास आवे, कोई 80 साल का बूढ़ा हमारे पास आवे और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो जाए और कहने लगे बिटिया हम बड़ा परेशान हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, तो हम क्या समझेंगे। हम तो यही समझेंगे कि भाई बुढ़ापे में और काहे का दुख होता है, लड़का और बहू नई काम नई बात सुन रहे होंगे, भोजन नहीं दे रहे होंगे और बुढ़ापे में काहे का दुख, भैया बचपना खेल कूद के चला जाता है, जवानी भी चली जाती है, लेकिन ये बुढ़ापा सबसे कठिन बुढ़ापा, जिसका बुढ़ापा बढ़िया कट जाए समझ लो पूरा जीवन बढ़िया कट गया। ए भैया कोई 80 साल का बूढ़ा हमारे पास आकर के कहे बिटिया हम बड़ा परेशान हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, तो यही सोचेंगे कि भाई घर में कष्ट होगा, बहू और पुत्र भोजन नहीं दे रहे होंगे, यही कष्ट होगा। तो हम उनसे कह दें कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, बताइए क्या बात है। वो 80 साल का बूढ़ा हमसे ये कह दे कि बिटिया हमें आशीर्वाद दे दो कि हमारे पुत्र हो जाए, ध्यान दीजिएगा मेरे पुत्र हो जाए, और हम बैठे व्यास आसन पर, हमने कह दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, हम ठहरे आशीर्वाद देने वाले, हमने कह दिया जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, और परमात्मा की कृपा, ध्यान दीजिएगा भगवान की कृपा, उन 80 साल के बूढ़े के पुत्र का जन्म हो जाए। अब आप बताइए समाज में बोलो दोनों अपमानित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो भैया दोनों अपमानित हो जाएंगे। एक तो वो जो 80 साल का बूढ़ा जिसके पुत्र का जन्म हुआ वो समाज में अपमानित होगा, और दूसरे हम समाज में अपमानित होंगे कि कैसे बैठी आशीर्वाद दे दिया जो 80 साल की आयु में उसको पुत्र का जन्म हो गया। बोलो भैया समाज में अपमानित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अच्छा वही 80 साल का बूढ़ा हमारे पास आवे और हमसे कहे बिटिया हमें आशीर्वाद दे दो, तो हम कहें अपनी समस्या बताओ तब हम तुम्हें आशीर्वाद दें, और वो हमसे ये बात कहे कि बिटिया हमें ये आशीर्वाद दे दो कि हमें भगवान मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, वो कहे कि ऐसा आशीर्वाद हमें दे दो कि हमें भगवान मिल जाए, और हम ठहरे आशीर्वाद देने वाले, हमने कहा जाओ दादा तुम्हें भगवान मिलेगा, वो अपने घर चले जाएं, और 80 साल की आयु में परमात्मा की लीला भगवान की कृपा उन्हें भगवान मिल जाए, तो भला बताओ समाज में बताओ दोनों सम्मानित होंगे कि नहीं होंगे, दोनों का सम्मान बढ़ेगा। एक तो उसका 80 साल के बूढ़े का भी सम्मान बढ़ेगा कि देखो उसने 80 साल की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, और एक हमारा सम्मान बनेगा कि देखो बिटिया ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि 80 साल में भगवान का दर्शन हो गया, दर्शन हो गया भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बोलो समाज में दोनों सम्मानित होंगे कि नहीं होंगे। ए भैया तो याद रखना अगर महाराज दशरथ पुत्र मांगने गए होते तो अवस्था का ध्यान रखते। क्यों पुत्र का संबंध अवस्था से है, ध्यान देंगे पुत्र का संबंध अवस्था से है और भगवान का संबंध आस्था से है, ध्यान देना पुत्र का संबंध अवस्था से है और भगवान का संबंध आस्था से है। परमात्मा में यदि आपकी आस्था लगी हुई है तो चाहे आप जीवन पर्यंत भगवान को पुकारते रहें मांगते रहें दर्शन पाना चाहे ना मिले, लेकिन अगर आस्था लगी है तो एक दिन आपको बुढ़ापे में भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर राजा दशरथ महाराज वशिष्ठ जी के पास पुत्र मांगने नहीं गए हैं। नारद बाबा ने कहा कि आए, अरे यहाँ पर आए हैं पुत्र मांगने तो अब आए हैं। नारद बाबा ने कहा इनको इतना भी नॉलेज नहीं था, इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि अब आए हैं पुत्र मांगने के लिए। वशिष्ठ जी महाराज ने नारद बाबा को शांत कर दिया, ए नारद तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं राजा दशरथ हमारे पास आए, भले ही देर से आए लेकिन आए तो, और रही बात पुत्र मांगने की तो ये पुत्र मांगने नहीं आए, पुत्र के रूप में भगवान मांगने आए। बोलो भैया भगवान मांगने आए कि नहीं आए,
पुत्र के रूप में भगवान मांगना है, पुत्र मांगने नहीं आए। अगर पुत्र मांगने आए होते तो अवस्था का ध्यान रखते। आज 60,000 वर्ष की आयु है महाराज दशरथ की, तो क्या 60,000 वर्ष की आयु में ये पुत्र मांगने आए? नहीं, पुत्र के रूप में भगवान मांगने आए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन हम तो तुम्हारी राहें देख रहे थे, अभी तक तुम आए ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या बतावें? और तुम एक पुत्र की बात करते हो राजन, तो धरहु धीर होइ हइ सुत सारि। धरहु धीर होइ हइ सुत सारि, त्रिभुवन विदिता भगत भय हरने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर में पोत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा, तो देर किस बात की, आप चलिए चलकर के पोत्रेष्ट यज्ञ कीजिए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नहीं राजन, ये यज्ञ मैं नहीं करूंगा, पोत्रेष्ट यज्ञ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस यज्ञ के, पोत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि। उनको मालूम है कि पोत्रेष्ट यज्ञ कैसे होता है, उनको विधिवत मालूम है, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और भैया यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है कि अगर हमें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करना नहीं आता है तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे भी कि ये पूजा पाठ अनुष्ठान हमारा करवा दीजिए, और अगर आपको पूजा पाठ अनुष्ठान करना नहीं आता तो मत करिए, सीधे इनकार कर दीजिए, भैया हमें नहीं आता, इसमें बदनामी नहीं होगी भैया। और या फिर आपने उल्टा सीधा जाकर के करा दिया तो इससे दोनों को हानि होगी। कौन? एक तो अनुष्ठान कराने वाले को और दूसरे अनुष्ठान करने वाले, दोनों को हानि होगी। इसलिए दोनों की हानि से बचे रहो। जो काम करना नहीं आता, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करना नहीं आता, उसे सीधे मना कर दो, भैया हमारे बस की बात नहीं है। वशिष्ठ जी ने कह दिया मैं नहीं करूंगा, फिर बोले श्रृंगी ऋषि करेंगे, क्योंकि वो पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ, इसलिए वही पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे। राजा दशरथ ने कहा, महाराज अब हम उनको कहाँ ढूंढे जाकर? तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम तो जाओ अपने राजमहल में जाकर के पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी करो, और मैं उनको लेकर के कल ही तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ, और वहां पर आकर के कल ही पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। महाराज दशरथ तो चले गए अपने राजमहल, जाकर के तैयारियां करने लगे पोत्रेष्ट यज्ञ की। और इधर महाराज वशिष्ठ जी ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बाबा जी ने मानस में संकेत कर दिया, क्या लिखा, श्रृंगी ऋषि हो वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि हो वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जात करावा। सारी तैयारियां की पड़ी हुई थी, आज श्रृंगी ऋषि बैठ गए, वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए, महाराज दशरथ बैठे हैं, और क्या क्या पोत्रेष्ट यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जिस समय पोत्रेष्ट यज्ञ करना प्रारंभ किया, भक्ति और प्रेम के साथ में हवन कुंड में आहुतियां दी, तो क्या हुआ, ध्यान दें, भक्ति संहित मुनि आहुति और प्रगटे अग्नि चरु, प्रेम के साथ में जब आहुतियां दी गई हवन कुंड में, तो अग्नि देव उन आहुतियों को पाकर के प्रकट हो गए, और जिस समय प्रकट हुए तो अपने उनके हाथ में खीर का प्रसाद है, खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए वशिष्ठ जी महाराज बैठे। अग्नि देव वशिष्ठ जी से बोले, क्या जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, वशिष्ठ जी जो आपने अपने मन में विचार करके, हृदय में विचार करके इस हवन कुंड में आहुतियां दी हैं, तो सुनो, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार,
सकल काज भासे तुम्हारा वो कार्य पूरा हुआ और अब यह भी बांट दे हो न बजाई जथा जो जिस समय प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए वशिष्ठ जी महाराज से बोले अय वशिष्ठ जी आपने अपने मन में हृदय में विचार करके इस हवन कुंड में जो आहुतियां दी हैं तुम्हारा कार्य संपूर्ण हुआ तुम्हारा वह कार्य पूरा हुआ और वो खीर का प्रसाद वशिष्ठ जी महाराज को दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने वो खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दिया और कहा जाओ इस प्रसाद को अपनी रानियों में यथाविधि बांट दो। आज महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेकर के चले जिस समय अपने महल के अंदर पहुंचे तो तीनों रानियों को आवाज लगाई ध्यान दीजिएगा तीनों रानियों को आवाज लगाई तब हे राय प्रिय नारी बोला आवाज लगाई और जिस समय आवाज लगाई तो तीनों रानियां दौड़ती हुई आई महाराज दशरथ के पास तब हे राय प्रिया नारी बोला और कौशल्या दी तहां चलिया। उसी समय महाराज दशरथ ने क्या किया अर्धभाग कौशल्या ही दी उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया शेष बचा आधा अर्ध भाग कौशल्य ही दीना अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर दीना उभय भाग आधे कर प्रसाद किस प्रकार से वितरण किया तुलसी बाबा ने अपनी मानस में साधारण बंटवारा लिखा अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधे कर यानी उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया शेष बचा आधा उसके दो भाग किए एक भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया और एक भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। लेकिन नहीं भैया जरा विचार करना यहाँ पर महाराज दशरथ ने सुमित्रा को एक भी भाग खीर का नहीं दिया है। भागवत रहस्य की पुस्तक जो आती है उसमें आप देखिएगा उसमें बंटवारा कुछ अलग तरीके से दिया गया है। उसमें बंटवारा कैसे दिया गया महाराज दशरथ ने खीर का प्रसाद सुमित्रा को अपने हाथों से नहीं दिया क्यों कारण क्या था ए भैया जरा ध्यान देंगे महाराज दशरथ ने कैसे बंटवारा किया खीर का प्रसाद जब लेकर के गए उस भाग का खीर के प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दे दिया शेष कितना बचा भैया आधा उसके दो भाग किए एक भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया अब कितना बचा आधे का आधा उसके भी दो भाग किए एक भाग उठा करके कौशल्या को दे दिया और दूसरा भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया सुमित्रा को एक भी भाग महाराज दशरथ ने अपने हाथों से नहीं दिया क्यों नहीं दिया महाराज दशरथ तो अपनी तीनों रानियों को मानते बराबर लेकिन भाग खीर का क्यों नहीं दिया सुमित्रा को। अच्छा एक बात बताओ दवाई किसको खिलाई जाती है भैया दवाई किसको खिलाई जाती है जो बीमार होता उसी को तो दवाई खिलाई जाती है या जो स्वस्थ हो उसको दवाई खिला दो स्वस्थ को दवाई खिलाई जाती नहीं इन तीनों रानियों में बीमार कौन है ऐसे न समझ पाओ तो ऐसे समझ लो तीनों रानियों में बांझ कौन है कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा बांझ नहीं मेरे भाई क्योंकि सुमित्रा की तो लड़की हुई है सुमित्रा की तो कन्या हुई है जिसका नाम है शांता सुमित्रा की तो कन्या हुई है सुमित्रा बांझ नहीं है अगर बांझ है तो दो रानियां कौशल्या और कैकेयी ए भैया बीमार है तो दो रानियां कौशल्या और कैकेयी इसलिए महाराज दशरथ ने बीमार को ही दवाई दी है स्वस्थ को दवाई नहीं दी है लेकिन तीनों रानियों में कितना प्रेम था
कौशल्या ने देखा कैकेयी को तो विचार किया कि कैकेयी हमसे छोटी है, इसलिए कौशल्या ने क्या किया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और तेरी सुमित्र ही मन प्रसन्न। कौशल्या ने क्या किया, कौशल्या के पास में जो दूसरा वाला भाग था उस भाग को उठाया और कैकेयी के हाथ पर रख दिया। अब ये बताओ कैकेयी के पास कितने भाग हो गए भैया, कैकेयी के पास कितने भाग हो गए, दो तो पहले से थे, एक कौशल्या ने दिया तो कितने हो गए, तीन। अब कैकेयी ने विचार किया कि सुमित्रा हमसे भी छोटी है, इसको छोड़ के हम ये खीर का प्रसाद कैसे ग्रहण कर ले, तो इसलिए कैकेयी ने क्या किया, जो कौशल्या ने भाग दिया था कैकेयी को उस भाग को लिया और जो कैकेयी के पास में दो भाग थे उसमें का एक भाग लिया, ये दोनों भाग उठा करके सुमित्रा के हाथ पर रख दिया। ए भैया जरा विचार करना, अब कौशल्या के पास में खीर का कितना भाग बचा, एक भाग, ध्यान दीजिएगा, कैकेयी के पास कितना बचा, एक भाग, और सुमित्रा के पास में दो भाग। कौशल्या के पास में एक भाग बचा खीर का तो कौशल्या के एक पुत्र हुआ, कैकेयी के पास में एक भाग है खीर का तो कैकेयी के एक पुत्र हुआ, और सुमित्रा के पास में खीर के दो भाग है इसलिए सुमित्रा के दो पुत्र। ध्यान दीजिएगा, अब इधर सुमित्रा ने देखा कि यहाँ पर इन्होंने हमारा सम्मान किया है, तो सुमित्रा ने कहा दीदी तुम दोनों लोगों ने मिलकर के हमारा सम्मान किया और अगर हमारे दो पुत्र हुए तो मैं अपना एक एक पुत्र तुम दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी भैया। और वही हुआ, सुमित्रा के दो पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण को कौशल्या के पुत्र राम की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में लगा दिया। बोलो अपना वचन निभाया कि नहीं निभाया, निभाया। ए भैया इधर क्या था, तीनों देवियों ने उस खीर के प्रसाद को ग्रहण